सदगुरु कबीर के पद भजन साखी दोहे इतने गहरे अर्थ लिए होते हैं कि उन्हें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी में लगता है जैसे जीवन का सारा सच सामने खड़ा हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर भाषा के अनुसार नहीं, भाव के अनुसार अपनी बातें कही हैं। उन्होंने वो बातें कही है जो व्यक्ति के हृदय में डायरेक्ट उतर सके, और ये भी सत्य है कि ऐसे यथार्थवादी संत को मानने वाले आज बहुत कम हैं। सत्य के उपासक कम हैं, सत्य के पुजारी कम हैं। जहां आडंबर है, जहां भ्रम है, जहां छल है, वहां आदमी की भीड़ लगी है। वहां आदमी सस्ता सौदा करने पहुंच गया, लेकिन जो सच्चा सौदा सदगुरु कबीर बताते हैं, वहां लोगों का आना इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि कबीर साहब का जो मार्ग है वो कर्म का पथ है। वो हाथ जोड़ने से कोई काम हो जाएगा ऐसा साहब कहते ही नहीं। जहां ये कह दिया जाए कि सिर्फ नाम लेने से पाप कट जाएंगे, वहां लोग जाएंगे ना। और साहब कहते हैं नहीं, अच्छे कर्म करने से और पाप ना करने से पाप कटेगा। अब कहीं ये कहा जाए, और आज आपके क्षेत्र में ज्यादा ही प्रचार है कि बेल पत्र लीजिए, शहद लगाइए, शिवलिंग में चिपका दीजिए, बच्चे पास हो जाएंगे, तो लोग वहां जाएंगे, यहां क्यों आएंगे। ये कहा जाए कि कितना भी पाप करिए जीवन भर, चिता में जाते समय तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए, सीधे स्वर्ग चला जाएगा, सारा पाप खत्म, तो आदमी क्यों पुण्य के राह पर चलेगा, फिर आदमी क्यों त्याग के पथ पर चलेगा, आदमी फिर क्यों वैराग्य के पथ पर चलेगा, आदमी क्यों फिर धर्म के पथ पर चलेगा। वो तो कोशिश करेगा, जितना आडंबर फैलाना है फैलाओ, जितना तांडव मचाना है मचाओ, ज्ञान के पथ पर चलने की जरूरत नहीं है। लास्ट में तुलसी है ना, तुलसी और गंगा किस काम में। गंगा में अस्थि डाल दो मोक्ष मिल जाएगा, तुलसी अस्थि अर्थी में डाल दो मोक्ष मिल जाएगा, यही बताया गया। तो जहां नकली सौदा मिल रहा है आदमी वहां जाके खड़ा हो जाता है, वहां खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। लेकिन सत्य जहां कहा जाए वहां व्यक्ति खड़े होने को तैयार भी नहीं। और यही तमाशा इस दुनिया की है, इस संसार की है, इस समाज की है। अच्छे को देखने में हमारी आंखें काम नहीं करती, और गलत को देखने के लिए हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जब यथार्थ देखने की बात आए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, शायद मोतियाबिंद हो जाता है। लेकिन जब गलत, भ्रम, आडंबर देखना हो तो हम लेंस लगा के देखते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इस संसार में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, आंख वाला या अंधा। इस संसार में अंधों की संख्या ज्यादा है या आंख वालों की संख्या ज्यादा है। जितने भी दरबारी थे उन्होंने कहा स्वाभाविक है आंख वाले ज्यादा हैं, अंधों की संख्या तो कहीं दो चार मिलती, कोई कोई व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, ज्यादातर तो आंख वाले ही हैं, और यहां भी दरबार में सब आंख वाले हैं। सबने एक स्वर में कहा कि इस पूरी धरती पर आंख वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन अकबर भी ऐसा था जिसे जब तक बिरबल उत्तर ना दे दे उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। कोई कितना भी उत्तर दे दे लेकिन बिरबल के मुख से वो जब तक कोई उत्तर सुन ना ले उसे चैन नहीं मिलता था। सबके उत्तर सुनने के पश्चात अकबर की दृष्टि बिरबल की ओर गई, कहा बिरबल तुम कुछ नहीं कह रहे। बिरबल ने कहा मेरा मत इन लोगों से भिन्न है, मेरी राय इनसे अलग है। कहा क्या। कहा मेरे ख्याल से इस धरती पर अंधों की संख्या सबसे ज्यादा है। दरबारी हंस पड़े, कहा कैसा पागल आदमी, जहां भी जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस नगर में जाओ, कहीं दो चार अंधे मिलते हैं, आंख वाले तो चारों तरफ भरे पड़े हैं। ये लगता है बिरबल ही अंधा हो गया है, इसलिए इसको सब तरफ अंधे दिखाई देते हैं। अकबर ने कहा बिरबल
सोच समझ कर बोल रहे हो या बिना सिर पैर की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कहा, मुझे पता है और मैं कोई बातें बिना समझे नहीं करता। कहा, तो इसका प्रमाण देना होगा। दरबारियों ने कहा, ये क्या प्रमाण देगा, ये तो पहले से ही पागल है और पागल आदमी तो पागल जैसी बातें करेगा। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, सब आंख वाले हैं, अंधे बहुत कम हैं। अकबर ने कहा, नहीं नहीं, अब ये कहा है तो इसे प्रमाण तो देना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, प्रमाण मिल जाएगा, इसके लिए मुझे कल तक का मौका दीजिए, आज हम जाते हैं, कल आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो घर गया, दो रजिस्टर खरीदा और रजिस्टर लिया, एक फटा हुआ जूता लिया और राजधानी के चौराहे पर बैठ करके रजिस्टर रख लिया, एक आदमी को बैठा दिया। कहा, जिसका जिसका नाम बोलूँगा लिखने को लिखते जाना। दो लिस्ट बना लिया, एक रजिस्टर में आँख वालों का नाम और एक में बिना आँख वालों का, अंधों का नाम, इस तरह बना के बैठ गया। एक आदमी बैठा है जो लिखने को तैयार है और बीरबल वहाँ वो फटा सा जूता दोनों हाथ में लेके घुमाने लगा। जैसे ही एक दो दरबारी उधर से गुजरे, दूर से देखता है कि ये तो चौराहे पर बीरबल बैठा है, ये जूता क्यों घुमा रहा है? लगता है बीरबल सच में पागल हो गया है, कल दरबार में इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा था, लगता है विक्षिप्त हो गया है। निकट में गए, उत्सुकता बढ़ी दरबारियों की, दो तीन लोग थे, गए, बीरबल जूता घुमा रहा है। दरबारियों ने कहा, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही पूछा, बीरबल ने इशारा किया कि इन लोगों का नाम लिख लो अंधों की लिस्ट में, लिख लिया। वो जवाब नहीं दिया, हार के वो चले गए। वो दूसरे को बताया, दो चार दरबारी और आ गए, उसने भी कहा, लगता है बीरबल पागल हो गया है, बीरबल विक्षिप्त हो गया है, ये क्या कर रहा है, इसलिए कल दरबार में बहकी बहकी बातें कर रहा था पागलों जैसी। उन लोगों ने भी पूछा कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? उसने इशारा किया, इनका भी नाम अंधों की लिस्ट में लिख लो। ऐसे करते करते बहुत जगह बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है, सब लोग देखने आए कि बीरबल फटा हुआ जूता चौराहे पर घुमा रहा है, बगल एक आदमी बैठा है, कई लोग आए, बहुत से, जो भी पूछ बैठता कि बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो, बीरबल इशारा कर देता कि अंधों की लिस्ट में इसका नाम लिख दो। एक डायरी पूरी भर गई, बस एक लाइन बाकी था, तभी टपक पड़े अकबर, उसको भी खबर मिली। दरबारियों ने कहा कि आपका जो मंत्री है सबसे चहेता, वो पागल हो गया है। कहा, क्या हुआ? कहा, आपने कहा था ना कि अंधों की संख्या ज़्यादा है या आँख वालों की, और कल उसने कहा था कि अंधों की संख्या ज़्यादा है, तो दरअसल वो पागल हो गया है। यहाँ भी वो पागलपन में ही बात कर रहा था और वो चौराहे पर बैठ कर पागलों से भी बदतर, वो फटा पुराना जूता हाथ में लेके घुमाया जा रहा है, पागल हो गया। अकबर को भी आश्चर्य हुआ, ये क्या मामला है भाई, चलो देखें। अकबर का भी रथ पहुंचा वहां, उतर के कहता है, बीरबल ये क्या कर रहे हो? जैसे ही कहा, कहा इसका भी नाम लिख लो, एक लाइन बाकी था, अब मेरा मिशन पूरा हो गया। पूरी डायरी भर गई, उस जूता फेंका, डायरी समेटा, वहां से निकल लिया बिना कुछ बताए, दोनों रजिस्टर उठाया। दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ, अकबर तो गुस्से में था कि मेरा जवाब दिए बिना तुम भाग गए, सच में तुम पागल हुए हो। बीरबल ने कहा कि जो प्रमाण आपने मांगा था वो प्रमाण जुटाना भी तो पड़ता है, ऐसे ही कैसे प्रमाण दे दें, दिन भर मुझे लग गया प्रमाण जुटाने में कि आँख वाले ज़्यादा हैं या अंधों की संख्या ज़्यादा है। कहा, देखिए रजिस्टर ले आया हूँ, एक आँख वालों का लिस्ट है और एक अंधों का लिस्ट है। अकबर ने कहा, लाओ दिखाओ, पहले आंख वाला ही देखा जाए। आंख वाला रजिस्टर खोला तो इक्का दुक्का एक आध दो आदमी का नाम मिला। अकबर ने कहा, मतलब ये क्या है, आंख वालों में तो तुमने एक ही दो नाम लिखा है, और जब अंधों की लिस्ट वाला रजिस्टर उलटता है तो एक नंबर से उसके दरबारी ही शुरू हो गए। कहा, ये तो हमारे सभी गणमान्य लोगों का नाम तुमने अंधों की लिस्ट में लिख रखा है, हमारे सेनापति का नाम तुमने अंधों की लिस्ट में लिख रखा है, हमारे बाकी सभी अधिकारियों का नाम तुमने अंधों की लिस्ट में लिख रखा है। बीरबल ने कहा, अभी धैर्य रखिए, आगे बढ़िए, आप भी इसी लिस्ट में। अकबर हड़बड़ाया, कहा, मेरा नाम और इस लिस्ट में? कहा, हाँ आगे तो बढ़िए।
जब देखता है पूरा पढ़ता है अंतिम में अकबर का ही नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। अकबर तो गुस्सा गया, कहा तुम पागल हुए हो, हम तुम्हें अंधे मालूम पड़ते हैं और किस आधार पर तुमने हमें अंधा घोषित किया है, और ये रजिस्टर तुम्हारा आंख वालों में तो कोई है ही नहीं, देखो मेरी आंखें हैं, मैं तुम्हें देखा था और तुम पागल हुए हो। बीरबल ने कहा बात यहाँ इस आंखों के अंधेपन की नहीं है, इस आंखों से जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है कोई जरूरी नहीं कि वो आदमी आंख वाला ही है, इन आंखों से देखने वाला आदमी कोई जरूरी नहीं कि वो अंधा नहीं है। कहा मतलब? कहा मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल आपको दिया, एक साधारण सा उदाहरण दिया, मैं चौराहे में बैठा हूँ, फटा हुआ जूता हिला रहा हूँ, क्या आपको मालूम नहीं था मेरे हाथ में जूता है, फिर भी आप पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। जब आपको एक साधारण से जूते में समझ में नहीं आया तो फिर आप सत्य असत्य कहाँ से देखोगे, फिर होते हुए अत्याचार कहाँ से देखोगे, जब एक साधारण सी बात तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी और तुम पूछ बैठे और तुम्हारे दरबारी भी कम नहीं है, वो भी आकर पूछे, बहुत मुश्किल से कोई एकाध लोग है जो बिना पूछे निकल गया, और जो बिना पूछे निकला मैंने उसी का नाम लिखा है आंख वालों की लिस्ट में, क्योंकि वो जान रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, पर तुम देख रहे हो, तुम्हारे दरबारी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर भी तुम मुझे पागल घोषित किए जा रहे हो, ये अंधापन नहीं तो और क्या है, तुम्हारे आंखों के सामने अत्याचार होते हैं, तुम्हारे आंखों के सामने छल हो रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने पाप हो रहे हैं और तुम देख नहीं पाते हो, क्या खाना है क्या पीना है तुम देख नहीं पाते हो। अकबर ने कहा मैं समझ गया, मुझे पता था तुम बिना तथ्य के कोई बात नहीं करते, मुझे क्षमा करो। और बीरबल ने एक बहुत बड़ा संदेश पूरी मानवता को दिया, वो ये दिया कि कोई जरूरी नहीं कि ये आंख है तो हम आंख वाले हो गए, और कोई जरूरी नहीं कि कोई आंख नहीं है जिसके पास तो वो अंधा हो गया, हो सकता है जिसकी बाहर की आंख नहीं है वो सच में आंख वाला हो और जिसकी बाहर की आंख है वो सच में अंधा हो। हमारे जीवन में ही कितनी ऐसी घटना घटती है जहां इन आंखों के होते हुए भी हम इसका कोई लाभ कहां लेते हैं, आंख है फिर भी शराब की दुकान पर पैर जा रहा है तो अंधा है कि नहीं, आंख है फिर भी शराब हाथ में ले रहा है, तंबाकू हाथ में ले रहा है, मांस हाथ में ले रहा है, बीड़ी हाथ में ले रहा है, आंख है फिर भी व्यभिचार कर रहा है, अपनों के साथ छल कर रहा है, ये आंख है फिर भी गलत होते देख रहा है, आंख है फिर भी समाज का बर्बादी देख रहा है। संत भी कहते हैं कि जब आपके आंख बाहर की खुली है लेकिन फिर भी आप सत्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं, फिर आप नेत्रहीन हैं, आप अंधा हैं। साहब ने तो कहा मैं कही समझाऊं या जग अंधा, शराब की थैली हो चाहे गुटखा बीड़ी की पैकेट हो, चाहे सिगरेट का पैकेट हो चाहे गुटखा का पैकेट हो, सब पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आदमी देखता है लेकिन फिर भी उसको खाता पीता है। साहब कहते हैं आंख कहाँ से है, आंख है तो इसका प्रमाण ये हो कि हम सही काम करेंगे गलत नहीं करेंगे। आज आंखों के सामने सारी गलतियां होती है, खुद भी करते हैं, समाज में भी गलतियां होती है, हम उसमें उसका प्रतिकार नहीं करते, हम उसका विरोध नहीं करते, हम अपने जीवन में सुधार नहीं करते बल्कि गलतियों का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि नाच नौटंकी का हिस्सा बन जाते हैं, अत्याचार का हिस्सा बन जाते हैं, भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं, कहीं कोई दो नंबर ढंग से काम कर रहा है, कहीं कोई दो नंबर का बिजनेस कर रहा है, हम उसका प्रतिकार करने के बजाय हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, शासन में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है हम उसका पर्दाफाश करने के जगह हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, और हम सोचते हैं कौन लफड़े में पड़े, और यही बात सब कोई सोच लेता है। तो आंखों के सामने होते हुए गलतियों को भी अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने जीवन में होते हुए विनाश को भी अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब आंखें होते हुए हम अंधे हैं। और साहब ने कहा है कि बाहर की दो गई हियोह की गई, हियोह की गई हेराए, और कहीं कबीर जाकी चारों गई ताकर का हो उपाय, कि जिसकी बाहर की आंख चली गई ऊपर की आंख चली गई मामला तब तक कोई ज्यादा उलझा नहीं, लेकिन अगर भीतर की विवेक की आंख चली गई तो समझना फिर सब कुछ खत्म हो गया, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। सूरदास जी का नाम आप सुनते हैं, नेत्रहीन थे लेकिन उनका जीवन किसी
भी दृष्टि वाले से बहुत ऊंचा था। वो बाहरी जगत को तो नहीं देख सकते थे, वो बाहरी मायावी संसार को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन अपने भीतर के अंतर दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से उन्होंने संसार के सत्य को देखा था, उन्होंने जीवन के सत्य को देखा था और वही सत्य समाज को दिया था। सोचिए, जिनकी आंखें नहीं वो संसार के सत्य को देख रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं है वो जीवन के सत्य को देख रहे हैं, वो संसार के संबंधों के सत्य को जान रहे हैं। हमारी आंखें हैं लेकिन हम वही मायावी संसार को देखते हैं और उसी में उलझते हैं, उसी में रचते पचते हैं। साहब ने कहा, नहीं, भीतर की आंख का जागृत होना जरूरी है, बाहर से तो सब अंधे हैं। आंख है लेकिन गलतियां हम करते चले जा रहे हैं, आंख है लेकिन गलतियों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आंख वाले नहीं, हम अंधे हैं। ये कैमरे की आंख बाहर की तस्वीर ले रहा है, इसमें जा आदमी जैसा होता है वैसा ये तस्वीर ले लेता है, ये बाहरी तस्वीर ले रहा है। लेकिन हम और आप कैमरे को हटा दें और यहाँ एक्सरे मशीन ले आएं और एक्सरे मशीन के सामने खड़े हो जाएं, तो जैसी तस्वीर हमारी बाहर से है वो बाहर वैसी नहीं दिखेगी। आप हम कोई भी व्यक्ति एक्सरे मशीन के पास चला जाए तो फिर तस्वीर जो निकल कर आएगी वो कंकाल ही आएगी, भूत प्रेत जैसा आएगा, फिर वो आदमी के बाहर का नहीं आएगा, वो भीतर की तस्वीर आएगी, क्योंकि उसके पास भी आंख है, इस कैमरे के पास भी आंख है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कैमरा बाहर का ले रहा है, एक्सरे मशीन भीतर का ले रहा है। हमारी जो बाहर की आंख है वो बाहरी मायावी दुनिया को देख रही है, भीतर विवेक की जो आंख है वो दुनिया के पीछे के सत्य को देख रही है, शरीर के पीछे छिपा हुआ सत्य को देख रही है, माया के उस पार जो सत्य का धरातल है उसे देख रहा है। इसलिए विवेक की आंख अगर जागृत है तो बाहर की आंख है नहीं है उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमारी आंखें हैं तो हम क्या कर लिए? पूज्य श्री साहब जी कह रहे थे कि जिसकी आंखें नहीं है आप उससे पूछिए कि आंखें आ जाएगी तो क्या करोगे। वो आदमी कहता है कि हम सबसे पहले गुरु संत भगवान का दर्शन करेंगे, हम तीर्थ का दर्शन करेंगे, माता पिता का दर्शन करेंगे, संत की सेवा करेंगे। लेकिन जिनकी आंखें हैं वो माया और प्रपंच का दर्शन कर रहे हैं, उनके सामने माता पिता रो रहे हैं, उनको माता पिता के आंसू दिखाई नहीं दे रहे, लाचार जीव दिखाई नहीं दे रहे, हमारे सामने कोई पीड़ा में है, किसी की पीड़ा हमें दिखाई नहीं दे रही, कोई भूखा हमारे सामने तड़प रहा है और हम खाए चले जा रहे हैं, उसकी भूख हमें दिखाई नहीं दे रही, आंख है लेकिन हम देख कहां पा रहे हैं, कोई प्यासा है हमें दिखाई नहीं दे रहा, मंदिर में हम जल चढ़ाने तो चले जाते हैं, शिव जी के ऊपर हम जल चढ़ाने चले जाते हैं, वहां हमें पता नहीं कहां से दिख जाता है, पर सच में कोई प्यासा सामने आ जाए हमें वो दिखता नहीं, सच में कोई लाचार आ जाए हमें उसमें परमात्मा दिखता नहीं। और जिस आदमी को जीवित प्राणियों में भगवान न दिखा, जिस आदमी को अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हुआ, वो मंदिर में क्या करता होगा, वहां भी तो टाइम पास ही करता हो। और ऐसे लोगों को ही साहब ने कहा कि अंधा है, इसलिए संसार को साहब ने अंधा कहा है कि इस धरती पर अंधों की संख्या ज्यादा है, आंख वाले कम हैं। आंख वाले से तात्पर्य यही है जो सत्य असत्य को जानता है, जो हानि लाभ को जानता है, जो जानता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, जो लोगों की पीड़ा को देख सकता है, जो जीवन के सत्य को देख सकता है, जो अपने भीतर के विकार को देख सकता है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि हमें दूसरे का क्रोध दिखाई दे जाता है पर हम अपने ही क्रोध से अनजान होते हैं, हम दूसरे के दोष को देख लेते हैं हम अपने ही दोष से अनजान होते हैं, हम दूसरे के नफरत और घृणा को देख लेते हैं, हमारे भीतर पल रही नफरत पल रही घृणा को हम देख नहीं पाते। साहब ने इसलिए कहा कि आंख होते हुए हम अंधे हैं, जिसकी आंखें नहीं है मजबूरी है, किसी कारण से उसकी आंखें चली गई, लेकिन अगर हमें सत्य नहीं दिख रहा है आंख होते हुए तो ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा भी है कि हम
मंदिर में भगवान देखते हैं, तीर्थों में भगवान को खोजते हैं, पर हम अपने आसपास जो प्राणी हैं, आसपास जो लोग हैं, आसपास जो रिश्ते नाते हैं, जो भी व्यक्ति है, हम उसमें भगवान नहीं देखते। न चींटी में, न हाथी में, न मछली में। अगर मछली में लोग भगवान देख ले तो मछली को मार के खाएगा नहीं। अगर मुर्गी में भगवान का दर्शन हो जाए तो मुर्गी की हत्या बंद हो जाएगी। बकरी में भगवान का दर्शन हो जाए तो बकरी की हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन आदमी मंदिर में भगवान को देखता है, मुर्गी में नहीं देख पाता, इसलिए गर्दन काट के खा जाता है। गाय में अगर खुदा का दर्शन हो जाए तो मुसलमान गाय मारना छोड़ दें, लेकिन उसे गाय में खुदा नहीं देखता। भले ही वो चिल्लाता है जर्रे जर्रे में खुदा है, लेकिन गाय में उसे दिखाई नहीं देता। साहब ने कहा आँख से अंधे हो गए। और गोस्वामी जी ने भी कहा, कहत सकल घट राम में तो खोजत कही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। उन्होंने बड़े कठोर बात कही कि घट में है, नहीं दिखता, मंदिर में तुम देख लेते हो। अब घट में नहीं दिख रहा, जहां है वहां दिखा नहीं, और जहां है ही नहीं वहां देख रहे हैं। ये ढोंग ही तो है, अंधापन ही तो है। संतों ने कहा, जहां है अगर वहां दिख गया, जहां है वहां पहचान लिया, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तुम मंदिर का भी सम्मान करोगे, वरना वहां भी ढोंग के सिवा कुछ नहीं करोगे। संतों ने कहा कि जो जीवित प्राणियों में भगवान को देखता है, वो मंदिर का भी सम्मान करेगा, हृदय से करेगा। लेकिन जो अपने माता पिता, अपने गुरु में भगवान न देख सका, जो जीवित प्राणियों में भगवान न देख सका, वो मंदिर में भी सिर्फ ढोंग करेगा, वहां वो यथार्थ नहीं है। वो मंदिर में भी सिर्फ पाखंड करेगा, वहां भी वो भगवान का दर्शन नहीं करेगा। इसलिए हम सबको सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। बाहर की आंखें अगर है तो हमें कोशिश करनी है कि वो आंखें हमारी भीतर की आंखें बन सके, हम अपने भीतर की आंख खोल सकें, हम सही गलत देख सकें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भली भांति एहसास हम सबको होना चाहिए। घर परिवार में हमारा जीवन बीतता है, समाज में बीतता है, वहाँ हम किस भांति रहें कि समाज परिवार एक सूत्र में बंध रख सके। हम समाज के विध्वंस का कारण बन जाते हैं, हम परिवार के टूटने का कारण बन जाते हैं। आप चेष्टा करिए कि आपका जीवन ऐसा बन सके कि परिवार के टूटने का कारण नहीं, परिवार को एक सूत्र में बांधने का कारण बनिए, समाज के विध्वंस का नहीं, समाज के निर्माण का कारण बनिए, और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि इस राष्ट्र निर्माण में सहायक बनिए, बाधक बिल्कुल मत बनिए। अगर हम सही से अपने भीतर की मानवता को जगा सके, अगर हम अपने विवेक की आंख को जागृत कर सके, अगर हम सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोई इस भाव को जागृत कर सके, तो हम निश्चय ही आंख वाले हैं, और इतना भर हो जाए कि सब में परमात्मा दिखने लगे, सबके साथ मधुर व्यवहार हो जाए, तो हम इस राष्ट्र निर्माण ही नहीं संपूर्ण मानव निर्माण में हम सहायक हैं। कई बार आदमी सोचता है हम अकेला क्या कर सकते हैं, इतने लोग पाप के मार्ग पर जा रहे हैं, पर सच तो यह है कि धर्म का पथ ऐसा है जहां अकेला ही चलना होता है, इस पर प्रतिनिधित्व नहीं चलता है। कई लोग कहते हैं अरे माता पिता सत्संग में गए हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है। वो लोग गए हैं, घर से दो आदमी चले ही गए हैं, तो हमको जाने की क्या जरूरत है। सत्संग अपने लिए होता है, माता पिता गए उनके काम की चीज, आप जाएंगे आपको मिलेगा, आप गए हैं माता पिता को नहीं मिलेगा, माता पिता गए हैं आपको नहीं मिलेगा, भाई गए भाई को लाभ होगा, पत्नी गई पत्नी को लाभ होगा, मित्र गए मित्र को लाभ होगा। अगर आप नहीं आए तो आप चूक गए, यहाँ प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता है, यहाँ स्वयं आना पड़ता है, स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं सजग होना पड़ता है, स्वयं जागृत होना पड़ता है कि हमारी यात्रा धर्म पथ पर कैसे होगी। हम पाप के मार्ग पर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं, हम अन्याय के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हैं, और दिखता भी नहीं है कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। ये दिखाई कब देता है, जब शरीर लाचार होने लगता है। जब तक शरीर में दम है शक्ति है, हम पाप के मार्ग पर दौड़ते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है हम तो धर्म के ही पथ पर चल रहे हैं। जो कुछ भी हम अन्याय करते हैं हमें उसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन जब मन थकता है, जब शरीर लाचार होता है, जब पैर लड़खड़ाते हैं, जब आंखों की रोशनी कम होती है, जब कान सुनाई कम देते हैं,
कानों से सुनना जब कम हो जाता है, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है, शक्तिहीन हम होने लगते हैं, तब समझ में आता है कि जन्म सब धोखे में खोए दियो, हमारा सारा समय धोखे में गया है, हम वो काम किए ही नहीं। इन आँखों से हम जगत के उन्हीं प्रपंचों का गवाह बने हैं, इन आँखों से हम उन्हीं अत्याचारों का गवाह बने हैं, इन आँखों ने कभी गुरु के ज्ञान का दर्शन न कर सका, ये इन आँखों ने कभी सत्य का दर्शन न किया, ये आँखें कभी दिव्यता का अनुभव न किया, ये आँखें कभी भव्यता का गवाह न बना, साक्षी न बना। हम साक्षी बने हैं पापों का, हम साक्षी बने हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है हम खड़े हो जाते हैं, सत्संग हो रहा है हम कहते हैं कल चलेंगे, दो घंटे बाद चलेंगे, दो दिन बाद चलेंगे, कहीं लड़ाई हो रही हो तो हम कहते हैं दो मिनट रुक ही लेते हैं, जरा देखें किसका सिर फूटता है, और कहीं सिर ना फूटा तो बड़ा दुख होता है कि दो घंटे से देख रहे थे किसी का सिर भी नहीं फूटा, मजा नहीं आया, दस मिनट खड़े रहे किसी का हाथ न टूटा, मजा नहीं आया। हम झगड़े का गवाह बनने को राजी हैं, प्रपंच का गवाह बनने को राजी हैं, किसी के विनाश का गवाह बनने को राजी हैं, किसी की बर्बादी का गवाह बनने को राजी हैं, लेकिन किसी के जीवन को आबाद कर सकें, किसी समाज का उत्थान कर सकें, परिवार समाज राष्ट्र के निर्माण का गवाह बनने को राजी नहीं, अपने ही नैतिक विकास का गवाह बनने को राजी नहीं, मन पवित्र बन सके इसका ख्याल नहीं। इसलिए साहब ने कहा ये संसार अंधा है, उस सत्य को नहीं देखता, हम सब सत्य को नहीं देखते, हम सदैव नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं और नकारात्मक मार्ग पर चलते हैं। अच्छा भी हो तो हम उसमें से नकारात्मकता ही खोज कर लाते हैं, और नकारात्मकता जब तक मन में है, अंधापन जब तक हमारे जीवन में है, तो हमें अगर स्वर्ग भी भेज दिया जाए तो हम वह नरक बना के बैठेंगे। लेकिन जिस दिन भीतर की आंख जग गई, जिस दिन विवेक हमारा जागृत हो गया, चेतना जग गई, तो नरक में भी अगर कोई भेज देगा तो वहाँ हम स्वर्ग बना लेंगे। ऐसे लोगों की जरूरत समाज को है, ऐसे लोगों की जरूरत इस राष्ट्र को है। पुनः हमें समाजोत्थान के लिए संकल्प लेना चाहिए, पुनः हमें अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के गौरवमय इतिहास को दोहराने के लिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए। आज हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गाँव भटकता जा रहा है, स्वार्थपरता, लोभ की लोलुपता में हम सब इतने नीचे गिर गए कि अपने पराए की पहचान न रही, माता पिता के आंसुओं का ख्याल न रहा, भाई की पीड़ा का ध्यान न रहा, मित्र के दुख का ध्यान न रहा। अब जहां भी हम देखते हैं सिर्फ यह ख्याल आता है कि किसी तरह हमें लाभ मिल जाए, बाकी सब पर गर्दन पर भी पैर रख के निकलने की चेष्टा में है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बनी हुई, हम दूसरों के दुख दर्द से अब कोई वास्ता नहीं रखते। उस दीवार के उस पार माँ बाप चाहे खून के आंसू रोए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हृदय पिघलता नहीं है। साहब ने कहा निश्चय ही ये समाज अंधा हो चला है, और आंख चाहिए तो सत्संग में हमें जागृत होकर बैठना होगा और पुनः अपनी चेतना को जगाना होगा, क्योंकि जीवन थोड़ा है, जिस दिन यहाँ से जाना होगा ये बाहर का सब कुछ यहीं समेट के रह जाएगा, कुछ भी साथ ना होगा, और जब कुछ साथ ना होगा तो जो साथ हो सकता है कम से कम वो कमाई तो कमा लें, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। साहब ने कहा है कि अगर कुछ बन सके तो धर्म की कमाई करना, पुण्य प्रताप से अपने जीवन यात्रा को बढ़ाना, परमार्थ करना, धर्म का काम करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर आप किसी के आंसू पोंछ सके समझना आपने धर्म कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिला सके निस्वार्थ भाव से कोई कामना नहीं, अगर आप कभी किसी को पानी पिला दें तो ये मत सोचिए कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, ये सोचिए कि बस सौभाग्य था मेरा जो कोई याचक मेरे द्वार पर आया और हम किसी को पानी पिलाने योग्य बन पाए। जब इस भाव से आप सेवा करेंगे उस सेवा का इतना अगाध फल मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। किसी को एक मुट्ठी भोजन देना पड़ जाए
देने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, तो ये मत सोचिए कि मैं उसको भोजन करा रहा हूँ, मैं किसी भिखारी को भोजन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आप ये सोचिए कि आज मेरा सौभाग्य हुआ जो स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आ गए और मुझे भोजन का, प्रसाद का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। जिस दिन इन भावों के साथ आप सेवा करेंगे, धर्म का काम करेंगे, परमार्थ का काम करेंगे, जीवन उसी क्षण आनंदित हो उठेगा और आपका मन, आपका घर, सब कुछ मंदिर बन जाएगा। तो इसी संकल्प के साथ हम सब चलें। अभी इस सत्र में वाणी को यहीं विराम दें।